प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर गए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उनकी यह यात्रा ब्रुनेई, दारुसलाम से सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर हो रही है। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई में भारतीय समुदाय और प्रवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में राष्ट्रपति थर्मन शाग मुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली हिसेंग लूंग और एमिरिटस वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। इस यात्रा से भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और सशक्त बनाएगी।